तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में तेलंगाना राष्ट्र समिति बहुमत से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इससे पार्टी में जश्न का माहौल है। सभी 119 सीटों के आए रुझानों में टीआरएस 88 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों की बात करें तो कांग्रेस अभी 16 सीटों के नुकसान पर है, वहीं टीआरएस को 25 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं भाजपा को भी 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। रुझानों में ऐसा लगता है कि लोगों ने कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन को ठुकरा दिया है। कांग्रेस के कई शीर्ष नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीछे चल रहे हैं, जबकि टीडीपी, तेलंगाना जन समिति और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसी भी सीट पर आगे नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों पर आगे है। टीआरएस की रुझानों में बढ़त से पार्टी में जश्न का माहौल है। इस पर टीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में बनी रहेगी। लोकसभा सांसद कविता ने कहा कि राज्य में पिछले 4.5 सालों में टीआरएस सरकार ने सभी मोर्चों पर अच्छा काम किया है। बता दें, टीआरएस ने 2014 में 63 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 21 सीटें ही जीत पाई थी।